शास्त्रों को मत रखिए सामने, प्रभुपाद का वाक्य शास्त्र है, शास्त्र आपको भगवद्धाम में ले जाएंगे, श्री प्रभुपाद आपको भगवद्धाम में जाएंगे। शास्त्रों को रहने वाला व्यक्ति कभी भगवद्धाम नहीं जाता, गुरु का आश्रित व्यक्ति भगवद्धाम जाता है। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? प्रभुपाद ने हमें कहा कि 40% कर लो भगवद्धाम में जाऊंगा, शास्त्रों में कहा लिखा है कि 40% कर लो और भगवद्धाम में जाएंगे। बताओ मुझे, या तो शास्त्रों के चेले बनो या प्रभुपाद जी के भक्त बनो। वेद धर्म का मूल है और उन्हीं वेदों के विरुद्ध भगवान भी अगर बोल दे तो उनकी बात प्रमाण नहीं है। वेद आदि शास्त्र के विरुद्ध यदि भगवान भी कोई बात कहें तो उनकी बात भी मान्य नहीं है। ऐसे में ये कहते हैं कि प्रभुपाद की जो वाणी है वही शास्त्र है, शास्त्र के चेले मत बनिए, शास्त्र आपको भगवद्धाम नहीं ले जाएंगे, आपको भगवद्धाम प्रभुपाद ले जाएंगे। तो प्रभुपाद जो है क्या वो शास्त्र और भगवान से ऊपर हो चुके हैं? फिर तो आपको बौद्ध दर्शन स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के जो अवतार थे बुद्ध जी, उन्होंने भी अपना दर्शन दिया है बौद्ध दर्शन, जिसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है, किंतु वेद विरुद्ध होने के कारण उसको कोई स्वीकार नहीं करता है। किंतु जब आपके लिए प्रभुपाद की वाणी शास्त्र हो सकती है तो जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध जी हैं उनकी वाणी शास्त्र क्यों नहीं हो सकती? तो उनके सिद्धांत को आप किस प्रकार नकारेंगे? फिर भगवान कह रहे हैं, श्रुति स्मृति ममे वाग्य यस्तु लंघया वर्तते आज्ञा छेदि मम द्रोही मत भक्तो भी नामे प्रिय, ऐसा भक्त मेरे को प्रिय नहीं है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। तो प्रभुपाद की वाणी को माने या फिर भगवान की वाणी को माने, जो ये कह रहे हैं कि श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है, यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जाएगा ऐसा भक्त मेरे को प्रिय नहीं है, 100% भक्ति करने से प्रभुपाद जी जो है वो आपको गोलोक ले जाएंगे। आपको शास्त्रों की बात मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभुपाद की जो वाणी है वही शास्त्र है, इनका कहना है ना। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी को ठेकेदार बना दिया गोलोक का, कि वो जो चाहेंगे वो जो बोलेंगे वही शास्त्र बन जाएगा? ब्रह्मा और व्यास से भी ऊंची उनकी पदवी हो जाएगी। महाभारत के अंदर कहेंगे कि अर्जुन को भगवान शिव ने पशुपत अस्त्र नहीं प्रभुपाद अस्त्र दिया था, केवल प्रभुपाद अस्त्र लो और प्रभुपाद अस्त्र से ही सारे कार्य सफल हो जाएंगे। अगर तो ये भी कह सकते हो जय श्री कृष्ण।